स्टूडेंट्स 9th क्लास, ये हम आज से फिर से शुरू कर रहे हैं। अभी ये सम थोड़े रहते हैं, ये मैं आपको फिर से करवाता हूँ। 6.2 एक्सरसाइज है, इसका 6 सम है। इसमें हमें दिया हुआ है कि ए बी टाइम सी डी के पैरेलल है और एंगल ए पी क्यू 50 डिग्री है और एंगल पी क्यू आर डी एंगल पी आर डी इजिकल टू 127। तो फाइंड करना है हमने एक्स एंड वाई, ये एक्स और वाई दोनों सॉल्व करने हैं। तो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास, ये एंगल जो है ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इजिकल टू एंगल पी क्यू आर, क्यों भाई ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल इसको काटती है, ये लाइन इसके पैरेलल है और पी क्यू ट्रांसवर्सल इसको काटती है। तो ये दोनों ऑपोजिट एंगल बन गए, ये वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए। देयरफॉर एंगल पी आर क्यू PQR इक्वल टू वो भी 50 डिग्री का हो गया। देयरफॉर ये जो एक्स है वो 50 डिग्री का हो गया। नेक्स्ट है एंगल PRD इक्वल टू एंगल QPR प्लस एंगल PQR, क्यों है? ये जो है ये ट्रायंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, यह है 127 डिग्री का, ठीक है। एंगल PRD जो है वो एक्सटीरियर एंगल है और ये दोनों एंगल है इंटीरियर अपोजिट। तो हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल इजिकल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, पीआरडी की वैल्यू हमें पता है 127 है। एंगल क्यू पी आर ये वाई है, पी क्यू आर ये हमने निकाला है एक्स इजिकल टू 50 डिग्री। देयरफॉर एंगल वाई इजिकल टू ये वाई 50 इधर आ गया, 127 माइनस 50 इजिकल टू 77 डिग्री। देयरफॉर हमने एक्स निकालना था और वाई निकालना था, एक्स की वैल्यू 50 आई और वाई की 77 डिग्री। ये हमारा आंसर है, ये हो गया एक्सरसाइज 6.2 का 6 सम। ओके, थैंक यू।